हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट सिस्टम एंड इनडायरेक्ट सिस्टम। अगर हमें कोई यार्न काउंट दिया हुआ है इनडायरेक्ट सिस्टम में, तो उसे हम डायरेक्ट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट सिस्टम में दिया हुआ है तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए, या कोई न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे सिंपल फॉर्मूला हम कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो बेसिकली तीन मेन फॉर्मूले हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है टेक्स्ट को एनी में कन्वर्ट करने के लिए, या एनी को इंग्लिश काउंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन। तो डायरेक्ट सिस्टम में टेक्स्ट और डेनियर आते हैं, इनडायरेक्ट सिस्टम में मेट्रिक काउंट, इंग्लिश काउंट, वोस्टेड काउंट, ये सारे आते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट को, हमें वैल्यू दी हुई है टेक्स्ट की और उसे हमें इंग्लिश काउंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो ये पहला फॉर्मूला है टेक्स्ट मल्टीप्लाई एनी इज इक्वल टू 590.5। ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है। तो अगर हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से टेक्स्ट की वैल्यू दी हुई है, तो हम उसे एनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश काउंट उसका निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें टेक्स्ट की वैल्यू 10 दी हुई है, तो हम फॉर्मूले के अंदर टेक्स्ट की जगह 10 वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई एनी इज इक्वल टू 590.5। जो 10 मल्टीप्लाई है एनी के, उसको हम 590.5 से डिवाइड करेंगे। 590.5 डिवाइड बाय 10, तो हमारी इंग्लिश काउंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें इंग्लिश काउंट की वैल्यू दी हुई है और हमें टेक्स्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम इंग्लिश काउंट की जगह जो भी वैल्यू दी हुई है उसको रख देंगे। मान लीजिए हमें बोला गया है कि 30s काउंट है, इंग्लिश काउंट है 30, और उसकी टेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम टेक्स्ट मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 590.5, टेक्स्ट को वहीं रखेंगे, जो मल्टीप्लाई 30 है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे 590.5 के, और डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वही हमारे टेक्स्ट की वैल्यू। तो ये पहला फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम टेक्स्ट को एनी में या इंग्लिश काउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इंग्लिश काउंट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है, जिसमें हम डेनियर को अगर इंग्लिश काउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, या इंग्लिश काउंट को अगर डेनियर में कन्वर्ट करना है तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है डेनियर इंटू एनी इज इक्वल टू 5315। इस फॉर्मूले का यूज करके हम, अगर हमें डेनियर की वैल्यू दी हुई है तो हम उसे इंग्लिश काउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश काउंट की वैल्यू दी हुई है तो उसे हम डेनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सिस्टम या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट टू डायरेक्ट, मान लीजिए हमें टेक्स्ट की वैल्यू दी हुई है और हमें डेनियर निकालना है, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है डेनियर इज इक्वल टू 9 इंटू टेक्स। तो अगर हमें टेक्स की वैल्यू दी हुई है और डेनियर निकालना है, तो हम टेक्स की जगह जो वैल्यू है उसको रखेंगे और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेनियर वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 50 टेक्स किसी यार्न का काउंट दिया हुआ है और हमें उसे डेनियर में कन्वर्ट करना है, तो हम डेनियर इज इक्वल टू 9 इंटू टेक्स, फिर डेनियर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई टेक्स की वैल्यू है 50, तो 50 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी डेनियर की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर डेनियर की वैल्यू दी हुई है और उसे हमें टेक्स से कन्वर्ट करना है, तो डेनियर की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए डेनियर की वैल्यू है 40, तो इस फॉर्मूले के अंदर डेनियर इज इक्वल टू 9 टेक्स, इस फॉर्मूले के अंदर हम डेनियर की जगह वैल्यू रखेंगे 40 और 9 इंटू टेक्स, जो 9 मल्टीप्लाई में है उसको हम डेनियर की जो 40 वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारे टैक्स की वैल्यू है।
इस तरीके से हम डायरेक्ट से डायरेक्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में। अब बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की जो कन्वर्जन के लिए यूज किए जाते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सिस्टम की। इनडायरेक्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो इंग्लिश काउंट है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ लेंथ यूनिट पर यूनिट वेट, कि पर यूनिट वेट जो फिक्स वेट है उसके अंदर कितनी लेंथ यूनिट प्रोड्यूस होती हैं, उसे ही हम इंग्लिश काउंट या एमवी बोलते हैं। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ इन लेंथ यूनिट्स, जो भी हमारी लेंथ आ रही है वो लेंथ यूनिट्स में यानी यार्ड्स में, जो हम लेंथ की यूनिट लेते हैं इंग्लिश काउंट में, और वेट इन वेट यूनिट, वेट यानी वन और यूनिट पाउंड, तो वन पाउंड वेट यूनिट के अंदर कितने यार्ड्स लेंथ प्रोड्यूस होती है वही हम, उसी को हम काउंट बोलते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जो हमारा वेट है वो उस तरफ चला जाएगा और काउंट जो है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो हम उसको लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू लेंथ इन लेंथ यूनिट्स डिवाइड बाय काउंट। या अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू वेट इन टू काउंट। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेंथ वेट एंड काउंट। ये तीनों में से अगर कोई दो चीजें दी हुई हैं तो हम थर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, वेट और काउंट दिया हुआ है, तो हम वेट और काउंट को मल्टीप्लाई करके लेंथ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें काउंट निकालना है और लेंथ दी हुई है और वेट दिया हुआ है, तो हम लेंथ को वेट से डिवाइड करके उसका काउंट निकाल सकते हैं। तो हम इसको कुछ न्यूमेरिकल से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि काउंट की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली इंग्लिश काउंट की, नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड इन वन पाउंड। एक पाउंड वेट के अंदर कितने हैंक्स प्रोड्यूस होते हैं 840 यार्ड्स। इसको अगर हम दूसरे टाइप से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं लेंथ इन हैंक्स डिवाइड बाय वेट इन पाउंड्स। अब उसको भी हमने और एलोबरेट किया और डिवाइड किया उसको, लेंथ इन यार्ड्स, हैंक का मतलब क्या है कि 840 यार्ड्स के कितनी लेंथ प्रोड्यूस होती है, लेंथ इन 840 यार्ड्स। तो हम उसको लिख सकते हैं लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय 840, और वेट इन पाउंड्स, पाउंड्स को हम लिख सकते हैं वेट इन ग्रेन्स डिवाइड बाय 7000। ये हमने क्यों किया, क्योंकि वन हैंक इक्वल होता है 840 यार्ड्स के और वन पाउंड इक्वल होता है 7000 ग्रेन्स। तो हमने उसको और डिवाइड कर दिया, जो लेंथ यूनिट थी और जो वेट यूनिट थी। उसके बाद अगर हम इसको लिखें लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय 840, फिर पूरा डिवाइड बाय वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय 7000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय 840 मल्टीप्लाई बाय 7000 डिवाइड बाय वेट इन ग्राम्स। जो नीचे डिवाइड के नीचे जो टर्म थी उसको हम ऊपर ले गए, ऊपर जाने से 7000 ऊपर चला गया और वेट इन ग्रेन्स नीचे आ। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 7000 डिवाइड बाय 840 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय वेट इन ग्रेन्स। उसके बाद जब 840 से हम 7000 को डिवाइड करेंगे तो जीरो से जीरो कट हो गया, उसके बाद 700 डिवाइड बाय 84, तो 28 का टेबल अगर हम यूज करें तो 28 84 तो 3 से डिवाइड हो गया, और 28 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाए। तो हम 7000 डिवाइड बाय 840 को सॉल्व करके लिख सकते हैं 25/3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय वेट इन पाउंड्स। जो हमारी इक्वेशन थी नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड इन वन पाउंड, उसको हमने सॉल्व करते करते यहां तक ले आए। अब 25 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.33, तो हम इसको लिख सकते हैं 8.33 काउंट इज इक्वल टू 8.33 इनटू लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय वेट इन ग्रेन्स। तो इस फॉर्मूले से हम काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें लेंथ दी हुई है यार्ड्स में और वेट दिया हुआ है पाउंड्स में या ग्रेन्स में।
इसी फॉर्मूले को यूज करके अगर हम वेट को ले आते हैं काउंट की जगह और काउंट को ले जाते हैं डिवाइड में लेंथ के, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 8.33 मल्टीप्लाई लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय काउंट। तो अगर हमें वेट निकालना है, हमें काउंट दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है, तो हम वेट निकाल सकते हैं। और इसी से अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें काउंट और वेट दिया हुआ है, तो लेंथ को रखेंगे हम वहीं पर और वेट इन ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे काउंट से और पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 8.33 से, तो हम जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो भी कैलकुलेट कर सकते। तो ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा कि इंग्लिश काउंट को हम कैसे अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल में यूज कर सकते। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ 240 यार्ड्स ऑफ कॉटन यार्न वेट 40 ग्रेन्स, व्हाट इज द काउंट ऑफ यार्न। हमें 240 यार्ड्स लेंथ दे दी और 40 ग्रेन्स वेट दे दिया और हमसे काउंट पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, 240 यार्ड्स को पहले हैंक में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है काउंट इज इक्वल टू लेंथ इन हैंक डिवाइड बाय वेट इन पाउंड्स। तो हमें लेंथ यार्ड्स में दी हुई है उसके हम हैंक बना लेंगे, वेट ग्रेन्स में दिया हुआ है तो उसके हम पाउंड्स बना लेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, 240 यार्ड्स इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 840 हैंक्स। ये क्यों किया हमने, क्योंकि 840 यार्ड का होता है एक हैंक, एक यार्ड का होगा 1 डिवाइड बाय 840 हैंक, और 240 यार्ड का होगा 1 डिवाइड बाय 840 इनटू 240 हैंक। तो हमने इसको लिख दिया 240 डिवाइड बाय जो लेंथ है यार्ड्स में उसको 840 से डिवाइड कर दिया, तो वो हैंक में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली 40 ग्रेन्स को हमने लिख दिया 40 डिवाइडेड बाय 7000 पाउंड्स, क्योंकि 7000 ग्रेन्स इक्वल होता है 1 पाउंड के, 1 ग्रेन होगा 1 बाय 7000 पाउंड्स के, और 40 ग्रेन होगा 40 डिवाइड बाय 7000। अब हमारे पास हैंक की वैल्यू आ गई, पाउंड्स की वैल्यू आ गई, हमारा फॉर्मूला है काउंट इज इक्वल टू लेंथ इन हैंक डिवाइड बाय वेट इन पाउंड्स। तो हम लेंथ इन हैंक्स की वैल्यू रखेंगे 240 डिवाइड बाय 840, पूरे को डिवाइड करेंगे पाउंड्स की वैल्यू से 40 डिवाइड बाय 7000। अब जो वैल्यू नीचे है ऊपर जाके जब हम उसको सॉल्व करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे, तो 240 डिवाइड बाय 840 मल्टीप्लाई बाय 7000 डिवाइड बाय 40। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काउंट वैल्यू आएगी 50। एक तरीका तो ये है इसे सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है डायरेक्ट, जो हमने पीछे देखा कि काउंट इज इक्वल टू लेंथ इन यार्ड्स वेट इन ग्रेन्स। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहें तो यार्ड्स में अगर हमारे पास लेंथ और वेट हमारे पास ग्रेन्स में है, तो काउंट के फॉर्मूले में हम वो वैल्यू रख सकते हैं। तो काउंट इज इक्वल टू 25/3 मल्टीप्लाई लेंथ इन यार्ड्स 240, यार्ड्स में लेंथ जो है वो 240 दी हुई है, डिवाइड बाय वेट इन ग्रेन्स 40 दिया हुआ है, तो 25/3 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइड बाय 40। जब इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व करेंगे तो हमारी काउंट की वैल्यू आएगी 50। तो इस तरीके से हमें अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हम एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे जिनके अंदर अलग अलग वैल्यू दी है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते। तो अब मान लीजिए हमें ये दूसरा जो न्यूमेरिकल है इसमें पूछा गया है फाइंड द वेट ऑफ 270 यार्ड्स ऑफ 60s कॉटन यार्न। काउंट दे दिया हमें 60 और वेट कैलकुलेट करना है हमें जिस यार्न की लेंथ हमें दी हुई है 270 यार्ड्स। हमारा फॉर्मूला है काउंट इज इक्वल टू लेंथ इन हैंक्स डिवाइड बाय वेट इन पाउंड्स, लेकिन हमें हैंक्स नहीं दिए हुए, हमें लेंथ यार्ड्स में दी हुई है। तो सबसे पहले हम यार्ड्स को हैंक में कन्वर्ट करेंगे। हम जब यार्ड्स को 840 से डिवाइड कर देंगे तो वो हैंक बन जाएंगे, तो 270 डिवाइड बाय 840 ये हमारे हैंक्स बन गए 270 यार्ड्स। अब हमारे फॉर्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू रखते हैं काउंट इज इक्वल टू लेंथ इन हैंक्स डिवाइड बाय वेट इन पाउंड्स, तो लेंथ इन हैंक्स आ जाएगा 270 डिवाइड बाय 840, पाउंड की जगह आ जाएगा 60, वेट इन पाउंड्स हमें कैलकुलेट करना है। तो वेट इन पाउंड्स जो डिवाइड में है हम उसको ले जाएंगे काउंट की जगह और काउंट को ले आएंगे लेंथ इन हैंक्स के डिवाइड में। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी वेट इन पाउंड्स इज इक्वल टू लेंथ इन हैंक्स डिवाइड बाय काउंट।
लेंथ इन हैंड्स है हमारी 270/840 और काउंट है हमारा 60। अब जो हमारा वेट है वो पाउंड्स में आएगा, लेकिन अगर हम वेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं ग्रेन्स में, तो ग्रेन्स में कैलकुलेट करने के लिए हमें वेट इन पाउंड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7000 से। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 270/840 मल्टीप्लाई बाय 7000/60। जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा 37.5 ग्रेन्स। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करके वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम इसके, तो एक न्यूमेरिकल और देखेंगे हम जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करनी है लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 105 ग्रेन्स ऑफ 40 कॉटन यार्न। हमें काउंट दे रखा है 40 और वेट दे रखा है 105 ग्रेन्स। तो हमारा फॉर्मूला जो है इंग्लिश काउंट का वो है काउंट इज इक्वल टू लेंथ इन हैंड्स डिवाइड बाय वेट इन पाउंड्स। अब काउंट तो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें दूसरी चीज चाहिए जो वेट इन पाउंड्स, बट हमें वेट दिया हुआ है ग्रेन्स में। तो हम ग्रेन्स के पाउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 105 को जब हम 7000 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा पाउंड्स। 105/7000 pounds। तो अब अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले में, काउंट की जगह हमने रख दिया 40, लेंथ इन हैंड्स हमें कैलकुलेट करनी है और वेट इन पाउंड्स हमें दिया हुआ है 105/7000। तो काउंट की जगह 40 रख दिया, वेट की जगह हमने वेट की वैल्यू रख दी। अब लेंथ को उधर ही रखेंगे, काउंट से वेट को हम ले जाएंगे उधर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। काउंट मल्टीप्लाई 105/7000 pounds इज इक्वल टू लेंथ इन हैंग्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 3/5 हैंग्स। तो हमारी जो लेंथ इन हैंग्स है वो आ गई 3/5। अगर हम इसे यार्ड्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 25/3 मल्टीप्लाई लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय वेट इन ग्रेन्स। काउंट की वैल्यू है 40, लेंथ इन यार्ड्स हमें कैलकुलेट करनी है और वेट की वैल्यू है 105 ग्रेन्स। तो 25/3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन यार्ड्स डिवाइड बाय 105 ग्रेन्स। अब काउंट 40 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। 105 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो काउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 25/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी लेंथ इन यार्ड्स। तो इस प्रकार से हम यार्ड्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हैंग्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट यार्ड्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 25/3 वाले फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट यार्ड्स में भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल मेरे चैनल पे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।